नमस्कार, न्यू कॉबैक समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। उत्तराखंड बोर्ड का आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें प्रदेश में प्रथम स्थान पर रही छात्राओं ने फिर मारी बाजी। 10वीं कक्षा में गंगोलीहाट पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में अपना नाम दर्ज किया। वहीं इंटरमीडिएट में प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में अल्मोड़ा के पीयूष अखोलिया एवं हल्द्वानी की कंचन जोशी ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना नाम दर्ज किया। हाई स्कूल में परीक्षा फल 89.14 रहा। इसमें बालकों का 85.59% तथा बालिकाओं का उत्तर प्रतिशत 92.54 रहा। हाई स्कूल में प्रियांशी रावत गंगोलीहाट पिथौरागढ़ की छात्रा ने 500 से 500 अंक प्राप्त कर 100% अंक प्राप्त कर प्रदेश की संयुक्त विशेषता सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर शिवम मलेथ रहे, उसने 500 में से 498 अंक प्राप्त कर कुल 99.6% अंक प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर आयुष गढ़वाल ने 500 में से 495 अंक प्राप्त कर 99% अंक प्राप्त किया। और 12वीं में प्रथम स्थान पर पीयूष खुलिया और कंचन जोशी ने संयुक्त रूप से 498 अंक के साथ संयुक्त रूप से किया टॉप। उत्तराखंड बोर्ड के सभापति की उपस्थिति में जारी किया गया, इस बार 10वीं और 12वीं में 201,737 छात्रों ने बोर्ड परीक्षा दी है। इस बार उत्तराखंड बोर्ड में 10वीं में 116,823 और 12वीं में 94,914 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबैक समाचार। रामनगर से न्यू कॉबैक समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एवं परीक्षाफल सुधार परीक्षा द्वितीय वर्ष 2023 का परीक्षाफल घोषित किया गया। हाई स्कूल परीक्षा 2024 में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 1,00,000। हाई स्कूल परीक्षा 2024 में 1,12,377 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 1,01,79 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। हाई स्कूल 89.14% रहा, जिसमें बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.59 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.54 रहा।